31 वर्षीय विक्रम आरके को अंततः जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा द्वारा महापौर पद के लिए चुन लिया गया। श्री आके जी द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दर्ज किया, जनता से अपने पक्ष में वोट करने को कहा। निगम छिंदवाड़ा में उनकी पार्टी आने से वह जनता को सड़क, पानी व टैक्स संबंधित मूलभूत सुविधाएं लाभ दिलाएंगे। वहीं बीती रात छिंदवाड़ा में पेट्रोल की सप्लाई को लेकर जनता में काफी ज्यादा घबराहट देखने को मिली तथा रात को भी लंबी लंबी कतारें पेट्रोल डीजल भराने हेतु लगी रही। यस, आज आपने नामांकन भरा है। आप अगर महापौर बन जाते हैं तो जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे? आज मैंने माननीय कमलनाथ जी, माननीय मित्रनाथ जी के निर्देश अनुसार नगर निगम महापौर प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की तरफ से नामांकन दाखिल किया हूँ। निश्चित तौर पर जैसे ही छिंदवाड़ा की जनता का सेवा करने का मौका मुझे देती है तो निश्चित तौर पर हम छिंदवाड़ा में समस्त मूलभूत सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो नगर निगम के 17 वार्ड ग्रामीण से जुड़े हैं उनमें आज भी विकास से दरकिनार है, जबकि टैक्स भरपूर वसूला जा रहा है। उन गाँवों को नगर निगम के तहत जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो सुविधाएँ उनको उपलब्ध कराएंगे। लाइब्रेरी की व्यवस्था, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। स्वच्छ छिंदवाड़ा और सुरक्षित छिंदवाड़ा का परिवेश हम छिंदवाड़ा में। अभी कई वार्डों में पानी की समस्या बनी हुई और बनी ही रहती है, हर उसके लिए क्या आपके पास? निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा में अभी मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ, जनता बहुत आक्रोशित है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। पानी की समस्या है, कई जगह नल नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ पर हम पानी पहुँचाने का बस सबसे पहली व्यवस्था जो होगी जल की व्यवस्था रहेगी। और कई जगह ऐसे कल कई झुकी झोपड़ियाँ में भी गया हूँ, मैं भी एक गरीब परिस्थितियों से आता हूँ तो उनका दर्द देख के मैं महसूस किया। आज पानी भरी हुई उनकी झोपड़ पट्टियों में रह रहे तो ऐसी जगह का समाधान हम कर। आपको चुनाव में मुख्य एजेंडा क्या? भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाना हमारा एजेंडा है। ये जो अभी मतलब पब्लिक जो पैनिक हो रही है उसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे पेट्रोल नहीं मिलेगा या क्या कैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं जी। जो नंबर है जी, पेट्रोल पंप तो खुले रहेंगे जी और पेट्रोल भी मिलेगा जी। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज की होगी, उसकी वजह से डीटीसी एंड एचपीसी के अंदर कुछ शॉर्टेज है, माल कंपनियाँ दे कम रही है, तो टैंकर के रिक्वायरमेंट 5 टैंकर उस चीज़ का गलत प्रोपेगेंडा बना दिया है, इसकी वजह से पब्लिक प्राइस इंक्रीजिंग वगैरह का ऐसा कुछ भी ऐसा बताया, सामान्य तौर पर जो फ्लो होता रहा है वो होता रहेगा, थोड़ा बहुत 10% 15 से 20% का फर्क आएगा।